हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपके एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं जैसे नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि आईआईएससी बैंगलोर के द्वारा जो है रिलीज किया गया। आईआईएससी बैंगलोर ने फिलहाल में एडमिशन नोट से रिलीज किया है फॉर द प्रोग्राम पीएचडी प्रोग्राम पीएचडी फॉर द एकेडमिक ईयर ऑफ 2024 टू 2025, और जो सेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा अगस्त 2024 से। जरा सा देख लेते हैं कि इसके बारे में जो है कौन कौन सी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए ताकि आप एलिजिबल बने। और ये नोटिस को रिलीज किया गया था 30th of January 2024 में। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द एडमिशन टू द रेगुलर रिसर्च प्रोग्राम, जिसमें कि पीएचडी एमटेक रिसर्च चलाएगा। इसके अलावा यहाँ पे एमटेक जो कि अदर डिपार्टमेंट के लिए, अपार्ट फ्रॉम दिस कोर्स प्रोग्राम इन इन साइंस, दैट इज मेनली एमएससी इन लाइफ साइंस हो गया, एमएससी इन केमिकल साइंस के लिए भी है, फिजिकल साइंस के लिए भी है, और उसके अलावा मैथमेटिकल साइंस के लिए भी है, इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम के लिए भी यहाँ पर। साथ ही साथ जो है यहाँ पे एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम के लिए भी सारी डिटेल जो है दिए गए हैं। अब बाकी देख लेते हैं हम कौन कौन से बच्चे यहाँ पे एलिजिबल हो सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको इनकी वेबसाइट पर विजिट करने के बाद जो है आपको मेनली www.iisc.ac.in आपको एडमिशन सेक्शन में जाना है, देन प्रोग्राम सेक्शन में जाना है, वहाँ से आपको अप्लाई करना है। अगर मान लीजिए आप ऑनगोइंग स्टूडेंट है, मतलब आपका एमएससी या एमटेक फाइनल ईयर चल रहा है, फाइनल सेमेस्टर चल रहा है, तो उस केस में जो है आपके सारे एग्जाम प्रोजेक्ट या वाइवा 31st July 2024 तक कम्प्लीट हो जाने चाहिए, और साथ ही साथ जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपके पास 31st of October 2024 तक मिल जाने चाहिए। तो ये उन बच्चों के लिए है जिनके एमएससी या फिर एमटेक, जो एमटेक बोल सकते हो या मास्टर बोल सकते हो, वो ऑनगोइंग है। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी ये सारी डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं, दैट इज़ वेल एंड गुड, आपको अलग से कुछ करना नहीं होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं सबसे पहली डिसिप्लिन की हम बात कर लेते हैं, रिसर्च प्रोग्राम पीएचडी एमटेक रिसर्च के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग डिसिप्लिन यहाँ पे मेंशन है, उसके बेसिस पे जैसे कि हो गया यहाँ पे पीएचडी इन साइंस फैकल्टी हो गया, एमटेक रिसर्च हो गया, उसके अलावा पीएचडी इन इंटरडिसिप्लिनरी एरिया हो गया। तो इन सब के लिए हम सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखते हैं। तो देखिए ये जो है वैरी करेगा, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है एप्लीकेंट पोजेसिंग अ मिनिमम ऑफ सेकंड क्लास और इक्विवेलेंट इन फॉलोइंग डिग्री एज एप्लीकेबल टू द इंडिविजुअल डिपार्टमेंट एरिया आर एलिजिबल टू अप्लाई। क्योंकि यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, उसके बेसिस पे जो है अलग अलग यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जो साइंस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है उसको मैं आपको डिफाइन कर दे रही हूँ, बाकी जो बच्चे अदर डिपार्टमेंट के हैं वो पीडीएफ को गो थ्रू कर सकते हैं। जैसे हो गया केमिकल साइंस वाले बच्चे, फिजिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस वाले, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक है पहला क्राइटेरिया कि अगर आपके पास 4 ईयर बैचलर ऑफ साइंस डिग्री है और आप तब जो है यहाँ पे मेंशन है क्वालिफाइंग इन नेशनल एंट्रेंस टेस्ट जो है मोड ऑफ एंट्री, यानी मोड ऑफ एंट्री आपका होने वाला है आपके पास वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए या तो नेट जेआरएफ आपके पास होना चाहिए जो मैंडेटरी, दोनों में से कोई भी एक होना चाहिए। या फिर मान लीजिए आपके पास मास्टर डिग्री है साइंस में, एट दैट केस आपके पास वैलिड गेट स्कोर या फिर नेट जेआरएफ का स्कोर कार्ड होना चाहिए। या फिर आपकी मास्टर डिग्री है एग्रीकल्चर में, फार्मेसी में या वेटनरी साइंस में, तो आपके पास डिजायरेबल जो है गेट स्कोर या नेट जेआरएफ या फिर जीपैट होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आपके पास एमएससी की डिग्री है तो आपके पास डिजायरेबल गेट या नेट जेआरएफ होना चाहिए। तो आपका जो एमएससी का डिपार्टमेंट वाला यहाँ पे जो केस आपको दिख रहा है, अगर आपके पास मास्टर की डिग्री है तो आपके पास हर हाल में जो है गेट या नेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा देख सकते हैं आपकी ग्रेजुएट फॉर एनी कोर्स विद इन अ मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 4 ईयर फ्रॉम एनी सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग द IIITs या PP मोड विद अ मिनिमम ऑफ CGPA ऑफ 8 out of 10 और इट्स इक्विवेलेंट, उनके लिए भी जो है वैलिड गेट स्कोर या नेट जेआरएफ स्कोर चाहिए। अगर आपके पास डिग्री है MBBS, MD, MDS, फार्मा डी का, तो उस केस में भी जो है इनमें से कोई भी एक चाहिए ही चाहिए। अगर बी फार्मा लगता है आपके किसी एडमिशन में या किसी एप्लीकेशन फॉर्म में, तो उस टाइम पे आपके पास जीपैट का स्कोर या नेट जेआरएफ का स्कोर चाहिए। इसके अलावा भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप बीटेक का स्टूडेंट है तो भी इन दैट केस गेट नेट जेआरएफ चाहिए ही चाहिए। मास्टर डिग्री अगर आपके पास लाइफ साइंस में या केमिकल साइंस में फ्रॉम IISc विद अ मिनिमम ऑफ CGPA ऑफ 8.5 और इक्विवेलेंट फॉर PhD ओनली, सिर्फ ये PhD के लिए है, तो उस केस में आपके पास वैलिड गेट स्कोर या नेट जेआरएफ मैंडेटरी है, नो मिनिमम कट ऑफ विल बी देयर, तो आपके पास गेट या नेट में से कोई भी एक होना जरूरी। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे मेंशन किया गया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल नोट दैट द गेट, जीपैट, नेट जेआरएफ आर नेशनल एंट्रेंस टेस्ट पासिंग सर्टिफिकेट, स्कोर कार्ड शुड बी वैलिड टिल 1st October 2024।
जो भी स्कोर कार्ड आपके पास नेट एग्जाम का होगा उसकी वैलिडिटी जो है 2024 तक रहना चाहिए, या फिर आपके पास जी पैट है या गेट है किसी का भी स्कोर कार्ड की वैलिडिटी 1 अगस्त 2024 तक रहनी चाहिए। अब नेट जेआरएफ बोलने का मतलब क्या हो गया, नेट जेआरएफ में आपके चले आते हैं सीएसआर यूजीसी नेट हो गया, फॉर जेआरएफ यूजीसी नेट हो गया, फॉर जेआरएफ डीबीटी जेआरएफ आईसीएमआर जेआरएफ जस्ट हो गया, एनबीएचएम रिसर्च अवार्ड हो गया, इंस्पायर हो गया। एप्लीकेंट मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ फेलोशिप टू बी गेट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर नेट जेआरएफ मोड। अगर आप नेट जेआरएफ मोड के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं ना, तो आप उस टाइम पे आपके पास जेआरएफ का कोई भी वैलिड स्कोर होना जरूरी है जो आपको फंड कर सके। और अगर आप इंस्पायर फेलोशिप के थ्रू इंस्पायर मोड के थ्रू जो है अगर आप अप्लाई करते हैं, उस केस में आपके पास वैलिड प्रोविजनल इंस्पायर ऑफर फ्रॉम कंसिडरेशन ऑफ देयर एप्लीकेशन एट अ लेवल टू, यानी आपके पास वैलिड जो है कई सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए आपके इंस्पायर फेलोशिप के लिए। और एप्लीकेंट हु ऑल्सो क्वालिफाइड इन दी एलिजिबल्स आर ऑल्सो एलिजिबल आर एलिजिबल टू अप्लाई। और अगर आपने मान लीजिए कि एलिजिबल्स को क्लियर किया है जिसे हम टाइप फॉर एग्जाम कहते हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट में जैसे कि आप देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बात करते हैं, तो स्टूडेंट को जो है शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन द नेट एग्जाम या फिर क्वालिफाइंग डिग्री, जिस भी डिग्री के बेसिस पे आपको जज किया जाएगा। और सिलेक्शन जो है वो आपके इंटरव्यू जो होगा उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पे होगा। कुछ डिपार्टमेंट में जो है मेनली जनरल एप्टीट्यूड भी आपका लिया जा सकता है, प्रिलिमिनरी इंटरव्यू भी लिया जा सकता है, फोर मेन इंटरव्यू या फिर फाइनल इंटरव्यू। तो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा जो वो थोड़ा सा वैरी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम है, ये आप गो थ्रू कर लीजिएगा जो भी बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं या अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पे एमटेक का है तो हम एमटेक को नहीं देख रहे हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं साइंस डिपार्टमेंट से रिलेटेड, दैट इज दिस वन। ओके, यहाँ पे जैसे कि मेंशन है, अगर आप मान लीजिए एमएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं आईएससी में, तो उस केस में अगर डिसिप्लिन लाइफ साइंस है, आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मिनिमम ऑफ फर्स्ट क्लास या इक्विवेलेंट इन बैचलर्स और एन इक्विवेलेंट डिग्री इन फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल साइंस इंक्लूडिंग द बायोटेक्नोलॉजी फार्मास्यूटिकल्स वेटरनरी साइंस एग्रीकल्चरल साइंस, उस केस में जो है आपके पास क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होना चाहिए जैम इन बायोटेक या फिर केमिस्ट्री या फिर मैथमेटिक्स या फिर फिजिकल पेपर, डिपेंडिंग कि आप कौन से डिपार्टमेंट में जो है अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर आपके पास मिनिमम ऑफ फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट इन बीई बीटेक डिग्री, उस केस में आपके पास गेट बायोटेक या फिर अब बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, बायोलॉजी मैथमेटिक्स फिजिक्स या फिर लाइफ साइंस पेपर, ऐसे कोई भी जो है एग्ज़ाम एक क्लियर रहना चाहिए अगर आप इनकेस एम एस सी अप्लाई करना चाहिए। केमिकल साइंस का भी यहाँ पे मेंशन है, वो भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, तो लाइफ साइंस कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द इंटरव्यू बेस्ड ऑन देयर एग्जाम 2024 एंड गेट 2024 स्कोर। फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू। तो आपका जो सबसे पहला सिलेक्शन किया जाएगा वो आपके एग्जाम 2024 या फिर गेट जो मेंशन है 2022 23 24 के स्कोर के बेसिस पे किया जाएगा, जो भी स्कोर कार्ड आपके पास अवेलेबल है, एंड देन आपका फाइनल सिलेक्शन जो है आपके इंटरव्यू के बाद किया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं बाकी डिसिप्लिन के बारे में जो कि स्किल आइटम्स के एलिजिबल है। नेक्स्ट आपका प्रोग्राम चलाता है इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम। तो पहले हम बात देखें, ये जो इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम है ये सारे ही डिसिप्लिन के लिए है, बायोलॉजिकल साइंस के लिए है, केमिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस। ये हमारा जो चैनल है मेनली बायोलॉजिकल साइंस से डील करता है, तो इसी के बारे में हम डिटेल देख रहे थे। लेकिन ऑफकोर्स यहाँ पे सारे के सारे स्टूडेंट्स ही अलग अलग डिपार्टमेंट वाले, सभी के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ एप्लीकेशन फॉर्म में जो है मेंशन है, तो आप वो थ्रू। बायोलॉजिकल साइंस की बात करें तो मिनिमम ऑफ फर्स्ट और इक्विवेलेंट इन बैचलर्स और एन इक्विवेलेंट डिग्री इन फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल साइंस इंक्लूडिंग द बायोटेक्नोलॉजी फार्मास्यूटिकल वेटरनरी साइंस एग्रीकल्चर साइंस और मिनिमम ऑफ अ फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट इन बी डिग्री। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होना चाहिए जैम इन बायोटेक और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स और फिजिक्स, इनमें से किसी में भी जो है आपका आईटी जाम क्लियर रहना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं, देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो जैसे कि यहाँ पे मेंशन है, सिलेक्शन प्रोसेस में जो है कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द इंटरव्यू बेस्ड ऑन देयर Jam 2024 score for all the four disciplines and those who have cleared just 2024 for the physical science. Selection for यहाँ पे biological science के लिए अगर देखा जाए will be based on the combined performance in qualifying examination and interview. तो आप exam में कैसा performance आपने दिया है, साथ ही साथ आप interview में कैसे दोगे उसके basis पर आपका selection देखा। अब apply कैसे करना है इसके लिए देख लेते हैं।
सो एप्लीकेशन फॉर ऑल द प्रोग्राम मेंशन अबव आर अवेलेबल ऑनलाइन. आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो अप्लाई ऑनलाइन विजिट www.iisc.ac.in, देन आपको एडमिशन सेक्शन में जाना है, देन अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक. कैंडिडेट्स की बात करें तो वेबसाइट जो है वो ओपन हो चुकी है ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए फ्रॉम 5th of Feb 2024, और लास्ट डेट जो है वो होने वाली है 22nd of March 2020. चलिए अब एप्लीकेशन फी की बात बात कर लेते हैं, देखते हैं एप्लीकेशन फी कितनी. जैसे कि आप देख सकते हैं जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस क्लास के लिए 800 होने वाली है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 400, ईआरपी कैंडिडेट्स के लिए दैट इज 2000, एंड स्पॉन्सर कैंडिडेट्स फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन मेंशन अबव, यहाँ पे पैराग्राफ 3.1.5 में मेंशन है, उनके लिए जो है वाली है 800. ठीक है, तो आप इसको गो थ्रू कर लीजिएगा, बाकी जो भी डिटेल्स हैं, और इनकी वेबसाइट पे विजिट करके जो है आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं. तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको इस वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा, दैट इज www.iisc.ac.in पे चले जाइएगा, आपको सारा कुछ डिटेल मिल जाएगा फॉर्म को फिलअप. इस पोस्ट से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट लिंक जो है उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, एंड मेक श्योर अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप जो है पीएचडी प्रोग्राम के लिए, या फिर अगर आप आईआईटी जाम के स्टूडेंट हैं तो आप जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं. जो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.